हमारे बहुत से साथी पूछते हैं, मेरे पड़ोसी के खेत में पानी निकला है लेकिन मेरे खेत में पानी नहीं निकला है, ऐसा क्यों हुआ? उनका कहना भी ये भी रहता है कि पड़ोसी एक जगह अपनी खेत में बोर करवाया, भक्कम पानी निकला है, 3 HP का चल रहा है, कहीं 5 HP का चल रहा है, लेकिन बाजू के किसान यह बोलते हैं कि मेरे खेत में कई बोर हो गया है लेकिन पानी नहीं निकला है। तो ऐसी स्थिति आती क्यों है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी धोखे में रहते हैं कि हमारे पड़ोसी के खेत में पानी निकल गया है तो हमारे खेत में भी निकलेगा। सही बात है ना, हर इंसान सोचेगा मेरे खेत में यदि उसके बाजू वाले किसान के खेत में पानी निकल गया है तो मैं भी सोचूंगा कि यहाँ मेरे भी खेत में पानी निकल जाए, हर कोई सोचता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो मैं आज बताऊंगा इसका कारण क्या है। देखिए, मैं दो खेत के बीच में खड़ा हूँ, ये मेड़ है जहाँ खड़ा हूँ, उसके नीचे साइड जहाँ कैमरामैन खड़ा है वहाँ पर एक दूसरे किसान का खेत है, और मेरे पीछे साइड ये दूसरे किसान का खेत है। कैमरामैन जहाँ खड़ा है वहाँ पर उस खेत में भक्कम पानी है, लेकिन मेरे पीछे वाले खेत में पानी की एक बूंद नहीं है। कहीं भी जांच कर लो, पानी नहीं निकलेगा। इस खेत में कई बोर हो गया लेकिन पानी नहीं निकलता, कारण क्या है? आज मैं चलते चलते पूरे दोनों खेत का ही मुआयना करके आपको बताऊंगा इसका कारण क्या है। अगर पानी की धार पीछे से ऐसे आई होती या इधर से ऐसे गई होती तो इस किसान के खेत में पानी मिलता, लेकिन यहाँ पर सीपेज भी नहीं आई है, उसका कारण क्या है? चलिए मैं आपको इसी टॉपिक में आज बताऊँगा। तो चलिए भाई, देखो ये मैं मेड़ से नीचे उतर रहा हूँ, इस खेत में जहाँ भी जाओगे पानी ही पानी मिलेगा। ये कच्चा नारियल है, देखिए ये नारियल ऊपर की तरफ अभी नहीं जा रही है, देखो ये नीचे की तरफ आ रही है, खड़ा हूँ वहाँ पर, ये नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका कारण यही है कि यहाँ पर पानी है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, नारियल ऊपर नहीं जा रही है, नारियल मेरी ही तरफ आ रही है, इसका मतलब यही है कि यहाँ भी पानी है। ये ऐसा खेत है कि कहीं भी चलो यहाँ पानी ही पानी मिलेगा, यहाँ बाहर नहीं जा रही ना, यहाँ पर पानी, यहाँ इधर इस हिस्से में थोड़ा सा ड्राई है, अब इस हिस्से में पानी है, सब नारियल मेरे तरफ आकर गिरी है, इसका मतलब है कि यहाँ पानी और ज़्यादा है। और यही नारियल अगर सामने जाकर गिरती तो फिर पानी नहीं है, ये हमें आभास करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये इधर बाहर जा रही है, पानी की जो धार थी उसको हम छोड़ दिए, यहाँ पर देखो फिर नारियल मेरे तरफ आ रही है, देख लो भाई, इसका मतलब यहाँ पानी है, यहाँ पानी की धार भी है और पानी खेत में फैला भी है। यहाँ ड्रिलिंग करोगे अच्छा से देखकर तो पानी निकलेगा ही, और कुआं अगर खोदना चाहो तो यहाँ कुआं भी सक्सेस रहेगा। देख लो भाई कहाँ से कहाँ आ गई नारियल, तो पानी बढ़िया है। इस खेत को पूरा घुमा के मैं दिखा रहा हूँ, देखना ये इधर पानी की हलचल तेज हो रही है, ये ऑटोमेटिक, देखो कितना बड़ा नारियल है, कच्चा नारियल है, फिर भी अपनी पोजीशन बदल रही है। देखो ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अब कंपन ऑटोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पानी है, और पानी नहीं रहता तो इसकी सिचुएशन अलग हो जाती। देखो कितना हिल रहा है ये, तो ये पानी वाले खेत का नज़ारा अलग रहता है, ये ऑटोमेटिक, और जहाँ पानी नहीं रहता पत्थर कड़ा होती है, अब पानी नहीं है तो पत्थर कड़ा ही रहेगा ना, और यहाँ पानी है इसलिए पत्थर हमें नहीं बता रहा है, यहाँ पर पानी ही पानी बता रहा है, क्योंकि नारियल फेंक ऊपर उठ रही, देखो ये, चलो ये बढ़िया पोजीशन है, बहुत बढ़िया पोजीशन है इस खेत का, इस खेत में पानी ही पानी है। अब इस खेत के दूसरे तरफ चलते, इसी खेत में इसके बाद हम उस खेत में जाएंगे जहाँ पर सूखा ही सूखा है, उस खेत में नारियल कैसा काम करेगा तो इसको भी देख लेना भाई। देखो ये वजन बहुत कर रही है, पानी बढ़िया है, ऊपर में भी पानी है, इसके नीचे में भी पानी है, 2-3 लेयर का पानी मिलेगा यहाँ पर। ये
भाई इसको कोई नचा नहीं रहा हूँ मैं, ना मैं नारियल को ऑर्डर भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक हम पानी की धार में आ गए हैं, इसीलिए ये नारियल इस तरह से खड़ी हो रही है। देखो ये हम पानी की धार में ही चल रहे हैं, अभी पानी की धार में चलोगे तो ऐसे ही होता है। हम पानी की धार से हट रहे हैं, ये पानी की धार से हट गए हैं, देखो हाँ फिर आ गए, फिर आ गए। तो ऐसी है, पानी जहाँ रहता है वहाँ नारियल अपनी तरफ आती है, और जब पानी जांच करना हो तो हमेशा कच्चा नारियल ही लेना है। और ये मार्केट में मिलती है ना छिलकर पानी पीने वाला नारियल, वो और बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। देखो ये हम पानी की धार में ही हैं अभी, ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है। यहीं से हम उस दूसरे खेत में भी जाएंगे और वहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में आपको बताएंगे कि उस खेत में ऐसा क्या कारण है जिसमें पानी नहीं है, और इस खेत में पानी ही पानी है, जहाँ भी जाओगे देखो पानी ही पानी है। हम शुरू से अंत तक इस खेत में पानी पा रहे हैं, लेकिन दूसरे खेत में पानी की बूंद नहीं मिलेगा, उसका कारण क्या है मैं वो आपको स्पष्ट बताऊंगा। पहले इस खेत के एरिया को हम क्रॉस कर लेते हैं। देखो ये वजन बहुत कह रहा है, पानी जहाँ रहता है वहाँ वजन भी बताता है। ये अब हम मेड़ में पहुँच रहे हैं। ये इस खेत की सीमा को जैसे ही हम क्रॉस कर रहे हैं नारियल गिरना शुरू हो गई है। इस खेत की सीमा तक पानी है, इस खेत की सीमा में जैसे ही पहुंच रहे हैं हमारी नारियल सामने तरफ जाकर गिर गई है। इसका मतलब यही है कि इस खेत में पानी है और इस खेत में पानी नहीं है, और क्यों इस खेत में पानी है और इस खेत में पानी नहीं, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस खेत को भी मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। तो मैं नारियल को उठा लेता हूँ, ये देखो नारियल को देखो, उस खेत में नारियल मेरे तरफ आके गिर रही थी, इस खेत में नारियल बाहर जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर ड्राई शुरू हो गई है, पत्थर बहुत कड़ा है। तो फिर चलते हैं, देखो दो ही कदम नहीं चल पाए हैं मुश्किल से, नारियल फिर गिर गई, फिर गिर गई। इसका मतलब यही है कि यहाँ पानी नहीं है, पत्थर बहुत ज़्यादा कड़ा है, हार्ड सॉइल है यहाँ पर। फिर चलते हैं, देखो ये नारियल पकड़े हैं, जैसे उस खेत में नारियल पकड़ते थे वैसे ही इस खेत में भी पकड़े हैं, गिर जा रही है। ये खेत सूखा है, ड्राई है। देखो नारियल आप शुरू अपनी पोजीशन बदल रही है, देखो देखो देखो, ये इसको कोई गिरा नहीं रहा है, ऑटोमेटिक गिर रही है। मेरी वीडियो को आप एकदम स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। देखो ये नारियल कैसी है सामने जा रही, देखो देखो, ये दो कदम भी नहीं चल पा रहे हैं और नारियल गिर रही है। देखो ये नारियल हाथ में रखते ही ऊपर जा रही है। यहाँ पर हम पत्थर की भी जांच कर रहे हैं, उसके अंदर पानी की जांच की, यहाँ पानी प्लस पत्थर जांच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, सिर्फ पत्थर है, कड़ा वाला पत्थर है। यहाँ किसान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पानी निकलने का नामो निशान नहीं है। ये अब इसको करेत करे क्या, हाथ में ता ही नहीं रही है। तो इतना हार्ड क्यों है ये, वहाँ तक पानी आई, यहाँ पानी नहीं है। तो हम थोड़ा से और आते हैं, इस खेत की पूरा सीमा को दिखा के, देखो ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है। मैं अपने तरफ खींचने का भी प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मेरी तरफ नहीं आ पा रही है, क्यों, ये पूरा सूखा है, ये खेत में पानी नहीं है। पानी होता तो पानी को अपनी ओर खींचता, लेकिन ये पानी नहीं है, सूखा है, इसलिए सूखा जाके दूसरे तरफ गिर रही है। ये नारियल बहुत बढ़िया नारियल है, देखो ये बाहर, पूरा बाहर जा रही है। देखो हथेली में मैं रखा हूँ और रखते रखते, देखो, पूरा बाहर चली गई। इसका मतलब है इस खेत में पानी की एक बूंद नहीं है,
यहाँ पर अगर कुआं खोदोगे तो भी सूखा रहेगा, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं निकलेगा। वही कहते हैं ना लोग, 1000 फीट पर तक हम खुदाई किए लेकिन हमें पानी नहीं मिला, तो इसका कारण यही है। इस तरह के ड्राई एरिया में 1000 फीट कौन कहेगा, 2000 फीट भी खुदाई करोगे तो भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि नारियल बाहर जा रही है। देखो ये 2 कदम भी नहीं चल पा रहे नारियल बाहर, ये बाहर जाना शुरू हो गई है। तो करे क्या। देखो अब हम उस वहीं पर जाते हैं जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। उसके बाद मैं ये दोनों खेत का रहस्य मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहीं जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं जाके बताना ठीक रहेगा, 2 मिनट और लगेगा। चलते हैं। देखो ये संभाल नहीं रही है, संभाल रही। देखो बाहर जा रही है ये, आखिर करे तो करे क्या। ये देखो ये बाहर जा रही है, मैं जैसे रखता हूँ देखो ये पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। ये दोनों हाथ से भी पकड़ रहा हूँ तो भी बाहर जा रही है, देखो ऑटोमेटिक ये। तो ये पानी नहीं रहती वहाँ, चाहे आप नारियल को कैसे भी पकड़ लो वो बाहर जाएगी ही जाएगी। ये उठ रहा है ऑटोमेटिक। देखो ये ऑटोमेटिक अपनी सिचुएशन बदल दी है। ये नारियल चाहे उल्टा पकड़ो या सीधा पकड़ो, ये बाहर ही जा रही है। देखो यहाँ पानी नहीं है, पूरा सूखा है। इस गांव के लोग बताते भी हैं, एक किसान ने बहुत मेहनत किया है लेकिन इसके भाग में पानी नहीं है। अब मैं भाग को बात तो नहीं जानता लेकिन इसके खेत में पानी नहीं है, ये बात सही है। आप जहाँ कहीं भी इस खेत में बोर करोगे तो सूखा ही सूखा निकलेगा, पानी नाम की चीज़ नहीं है। अब एक ही खेत में 1 मिनट के आजू बाजू में ऐसी सिचुएशन क्यों निर्मित हुई, यह बहुत जटिल प्रश्न है। लोग तो आसानी से बोल देंगे कि दोनों का खेत लगा हुआ है तो उसमें पानी निकला है इसमें नहीं निकलेगा, तो मैंने पूरे धार में भी चल के दिखाया आपको और सूखे में भी पूरा चल के दिखाया, और आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा समझ गए होंगे। और इस मनोदशा में नहीं रहना कि उसके खेत में निकल गया कि मेरे खेत में नहीं निकलेगा। देखिए हम जहाँ शुरू किए थे वहीं फिर पहुँच गए। अब इस खेत की ये मेड़ है सीधा दिखा देते हैं, ये मेड़ है, मेड़ के मेरे दाएं साइड इधर कैमरामैन खड़ा है, उधर पानी ही पानी है, और ये मेरे पीछे साइड इस खेत में मेड़ के जस्ट नीचे पानी के एक बूंद नहीं है। तो कारण यही है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, डीपली बात बता रहा हूँ। जैसा ये पहाड़ रहता ना हमारे ऊपरी हिस्से में, ज़मीन के ऊपरी हिस्से में, तो हम उसको देखते हैं और कहते हैं कि ये पहाड़ है, इस साइड में ढलान है इसका, इस साइड में ढलान है, ये इसकी चोटी है कहते हैं ना, ये इसकी टापू है बहुत ऊंची है। तो इसी तरह से पृथ्वी के नीचे भी जब पृथ्वी की संरचना हुई उस समय पहाड़ नुमा पहले आकृति बनी, पहाड़ ही पहाड़ बने, उसके बाद बाकी ऊपरी प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ काफ और जीवाश्म से मिलकर। तो ये क्या हुआ, कहीं पर उधर से पानी आ रही है, ये मान कर चलो ये डीप एरिया है, ये खाई वाली है, पानी उधर से आ रही है यहाँ तक टकराई, उधर से पानी आ रही है इस हिस्से में टकराई, ये हिस्सा ऊपर है मान कर चलो, ये टापू वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पूरा इस किसान का ऊंचा होगा, पहाड़ जैसा रहता है ना, वहाँ पहाड़ में पानी नहीं पहुँच पाती है, पानी पहुँचती कहाँ है, नीचे खाई में। तो ये वाला हिस्सा जो जिधर कैमरामैन खड़ा है वो खाई वाला हिस्सा है, और उधर से पूरा पानी आकर इस यहीं तक टकरा रही है मेड़ तक, टकराने के बाद पानी उधर निकल गई है और कुछ पानी उधर निकल गई है, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पा रही। इस किसान के खेत में पानी क्यों नहीं चढ़ पा रहे, क्योंकि इस किसान के खेत में जो पहाड़ में चोटी है ना ऐसा, ये सेम स्ट्रक्चर नीचे में है इसका, इसलिए पानी की एक बूंद नहीं गई, पानी की धार भी नहीं गई, पानी की सीपेज भी नहीं गई। इसलिए आप चाहे जितना भी खोदाई करो यहाँ पर पूरा पूरा सूखा ही सूखा मिलेगा, धूल ही धूल उड़ेगी, बर्बादी के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ किसान भाइयों से, पानी जांच करने वाले चक्कर में मत रहो, किसी मशीन वाले चक्कर में मत रहो,
आत्मनिर्भर बनो, ज़्यादा नहीं तो ये 10-15 रुपये का नारियल ले लो और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। दादा के हाथ में चलो समझ गया, नारियल नहीं उठेगा तो बेटा के हाथ में उठेगा, बेटा नहीं तो पोता पोती के हाथ में उठेगा, किसी न किसी के हाथ में तो नारियल उठेगा ना। चलो अपने घर में किसी भी सदस्य के हाथ में नहीं उठा नारियल तो पड़ोसियों के हाथ में तो भी उठेगा, जब मेरे हाथ में उठ रहा है तो बाकी किसी न किसी के हाथ में तो बताएगा। तो इस तरह से आप देख लेना, प्रैक्टिकल करना। और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े विद्वान आए, कई जांच करने वाले आते हैं, बता देते हैं कि भैया यहाँ पर पानी है, कोई अर्थिंग तार लेके बता देगा, कोई लकड़ी की वो वी आकार की आकृति वाला लकड़ी ले लेते हैं, वहाँ पर घूम के बता देंगे पानी है, कई जगह छेद हुआ, हासिल कुछ नहीं आया। जिन्होंने पानी बताया वो सामने आया ही नहीं, किसान के जब फ़ोन लगाता है मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं, ये सिचुएशन रहती है। तो भाई यहाँ पर किसान अभी रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ बोर खोदोगे बर्बादी होगा। तो भैया आप लोग पहले अपने खेत की स्ट्रक्चर देख लेना कि पानी है कि नहीं है, उसके बाद ही रिस्क लेना, नहीं तो बर्बादी सिवाय कुछ नहीं है। अब इस वीडियो में पूरा स्पष्ट हो गया कि हमारे किसान के, एक किसान के खेत में पानी है तो दूसरे के खेत में क्यों नहीं है। ये कमेंट में बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, तो मैं इन्हीं सब बातों को, इन्हीं दुविधाओं को दूर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर देना। मेरे चैनल का नाम है किसान का बोर, आप लोग YouTube में जाकर सर्च करिए किसान, KISAN किसान, उसके बाद लिखना KA BORE बोर, सबसे ऊपर हमारा ही चैनल दिखाया जाएगा। बहुत अच्छा है वीडियो, देख लेना, और अच्छा नहीं लगे तो और भी हमारे बहुत सारे यूट्यूबर साथी हैं उनका वीडियो देख लेना भाई, लेकिन उल्टा सीधा कमेंट में मत लिखना, क्योंकि बहुत से माताएं बहनें हमारी चैनल को देखती है, आपका ही इंसल्ट होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो भाई जो रियल है वो सो बता दिया, बाकी आपके ऊपर है। हाँ, किसी भी प्रकार की सहयोग चाहिए, सलाह चाहिए तो भाई मुझसे संपर्क कर सकते हैं, रात्रि में 8 बजे से 9 बजे के बीच, दिन में भाई बिजी रहता हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाता मैं। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7000716599। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सॉरी भाई को, जय जोहार।